हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोएम 4th. पोएम का नाम है द लास्ट वार्डन. क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज द स्पीकर इन द पोएम. यहाँ पर स्पीकर कौन है? आंसर है ए मैन लुकिंग फॉर हिज एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर इज द स्पीकर. यहाँ पर एक जो मैन है, आदमी है, जो काम की तलाश में निकला है, वही स्पीकर है. क्वेश्चन सेकेंड, द किंग शॉर्ड इन हैंड सजेस्ट. एक राजा था, हाथ में तलवार लिए, उसने क्या सजेस्ट किया? वेल्थ, पावर, मोर पावर देन वेल्थ. मैक द अप्रोप्रिएट आइटम इन द कॉन्टेस्ट ऑफ स्टेंजा फर्स्ट. आंसर है पावर. क्वेश्चन थर्ड, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी. व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर? यहाँ पर एक ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी, उसने स्पीकर को पैसे ऑफर किए, लेकिन उसने उनका ऑफर ठुकरा दिया. क्यों? आंसर है द मैन डिडंट नीड मनी, ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड. जो स्पीकर था उसे फ्रीडम चाहिए थी, इसलिए उसने बूढ़े आदमी का ऑफर ठुकरा दिया था. Question 4th, find in the poem lines that match the following. Read both one after another. I have nothing to give you except goodwill and cheer. Answer hai, I hire you with nothing. Second, her happiness was no more than sorrow in disguise. Answer है, her smile played and melted into tears. Last है, the king's might was not worth much. Answer है, but his power continued for naught. Thank you.